हिमाचल प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी। प्रदेश भर में कई जगह जंगलों में आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। गर्मियों के सीजन में 1 अप्रैल से 17 मई तक प्रदेश के 12 सर्कल्स में आग की 313 घटनाएं दर्ज की गई। प्रदेश भर में पिछले डेढ़ माह में इन आग की घटनाओं में 2162 हेक्टेयर जमीन पर वन संपदा राख हो गई है। सिरमौर के पौंटा साहिब की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां दो दिन से जंगल में आग धधक रही है। आग लगने से जंगलों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है। ये देखिए तस्वीरें, राज्य में अब तक 313 जगह पर आग की घटनाएं घट चुकी। ये सिरमौर के पौंटा साहिब से तस्वीरें देखिए, जंगलों में आग धधके हुए 3 दिन हो गए। और लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है अभी तक। आग के पीछे क्या है असली वजह, यह जानने की कोशिश भी की जा रही है। और इस बीच जंगलों में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। पौंटा साहिब से तस्वीरें आप देख रहे हैं। आखिर पहाड़ों को कौन तबाह कर रहा है, इसकी तस्दीक जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए पौंटा साहिब से आप। जंगलों में लगी इस आग ने टेंशन बढ़ा रखी है इन दिनों। सिरमौर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पौंटा साहिब से प्रेम कुमार मेरे सहयोगी इस खबर पर बने हुए हैं। प्रेम, जंगलों में लगी आग ने परेशानी में डाला हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, अभी वजह नहीं पता चल रही है। आग को काबू पाने के लिए क्या तैयारियां की जा रही? जी मुमताज, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से जो पौंटा साहिब के जंगल है वो धधक रहे हैं, और एक साथ ही पूरे गिरिपार क्षेत्र के, चाहे वो कंडेला जंगल हो या डांडा पागर जंगल हो या फिर नेहरू वाला का बुड्ढी हो या डांडी वाला जंगल हो, ये जंगल एक साथ आग की चपेट में आए हैं। और कहीं ना कहीं इसने कोई साजिश की हो सकता है कि जो वन काटू हैं उनकी वजह से ये आग लगी हो, ताकि वो अपने गुनाह छुपा सके। लेकिन फिलहाल आग किस कारणों से लगी है इसका पता तो खैर जांच के बाद ही चल सकेगा, लेकिन एक साथ इतने जंगलों में आग लगना, वो भी गिरिपार क्षेत्र के एक समूचे क्षेत्र में, तो वो चिंता का विषय है। हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी थी, देर शाम जो सड़क किनारे जंगल थे उन पर आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी कई जगह पर आग लगी हुई है। फिलहाल भी अभी जो फायर ब्रिगेड है वो अभी भी मौके पर है और आग बुझाने का प्रयास जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जंगल धधक रहे हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है पौंटा साहिब में। सिरमौर के पौंटा साहिब से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन इस आग पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। लाखों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। तो जंगल लगातार धधक रहे हैं, आज तीसरा दिन है जबकि लगातार जंगलों में आग लगी हुई है। अभी तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। जंगलों में आग कैसे लगी, क्या किसी साजिश के तहत ये सब हो रहा है, इसकी तस्दीक लगातार जारी। तस्वीरें पौंटा साहिब सिरमौर से आपके टीवी स्क्रीन पर।